दोस्तों सोनू सूद को सैल्यूट अब फौजियों की तरफ से आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिससे पूरा देश सैल्यूट करता है, जिस हमारी आर्मी पे सारा देश गर्व करता है और उन्हें गर्व से सैल्यूट करता है, वो आर्मी के जवान जो है अब सोनू सूद को सैल्यूट कर रहे हैं। दोस्तों अमित हुबले नाम के एक फौजी भाई ने सैल्यूट किया है सोनू सूद को, लिखा है सोनू सूद ग्रेट वर्क सर, हम फौजियों की तरफ से सैल्यूट तो बनता है आपके लिए। तो दोस्तों उसके जवाब में सोनू सूद ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि सैल्यूट आप सभी भाइयों फौजी भाइयों को, आप हमारे देश का गर्व हैं, मेरा योगदान आप सबके योगदान के सामने कुछ भी नहीं है, जय हिंद। तो दोस्तों ये है सोनू सूद की अच्छे कार्य का नतीजा कि उनको अब आर्मी भी सैल्यूट कर रहा है। दोस्तों इसी ट्वीट के नीचे एक शख्स ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि ये हैं मेरे देश के रियल हीरो सोनू सूद, जिन्होंने गरीब मजदूरों की मजबूरी को समझा और अपने पैसों से गरीब मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए बस का इंतजाम किया और मजदूरों को विदा करने के लिए वो वहाँ पर खुद गए और मजदूरों को इस बस में बिठा कर विदा किया। दोस्तों उसके नीचे एक महिला ने ट्वीट किया है और लिखा है कि धरती के भगवान आपने लोगों की जिस तरह से मदद किए हैं, जैसे कृष्ण और सुदामा का प्यार जब तक दुनिया में रहेगा तब तक आपका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा रहेगा, आपकी एक मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो दोस्तों सोनू सूद को इस तरह से कई दर्शक जो है कि रिएक्शन दे रहे हैं। आज इससे पहले भी आपने सोनू सूद के ट्विटर अकाउंट पे बहुत ही अजब अजब के रिएक्शन आपने देखा होगा। दोस्तों अब आपको बता दें कि सोनू सूद सर ने माइग्रेंट्स लेबर को भेजने के लिए अब ट्रेन भी बुक करवा दी और अब और ज़्यादा संख्या में लोगों को वो घर ट्रेन में बैठा कर भेज सकते हैं। तो दोस्तों बस से जो सीमित लोग बैठ सकते थे, लेकिन ट्रेन से अब बहुत ज़्यादा लोग एक साथ जा सकेंगे और बहुत ही जल्दी मजदूरों की प्रॉब्लम हल हो जाएगी। दोस्तों सोनू सूद अभी तक उन्होंने बोला है कि 25,000 से 20,000 लोगों को वो घर पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो लाखों लोगों को घर पहुंचा चुके हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, जब सोनू सूद ने लोगों को एक आदमी को घर पहुँचाए, लेकिन उनकी जो उम्मीदें थी, जिस परिवार के लोग उस आदमी का इंतज़ार कर रहे थे वो भी उनके लिए फंसे हुए थे, उनके लिए वो भी तिल तिल कर मर रहे थे, जिस परिवार का मुखिया जो है कि बाहर कमा रहा था उसको खिला रहा था, उस परिवार का मुखिया अगर घर गया तो वो सिर्फ एक आदमी नहीं, उस पूरे परिवार के जो भी 4-5 लोग होंगे सभी लोग घर गए। तो इस वजह से सोनू सूद ने सिर्फ एक आदमी की नहीं एक परिवार की मदद की है, और एक परिवार की मदद के हिसाब से देखें तो उन्होंने लाखों लोगों की मदद अभी तक की है और आगे आने वाले दिनों में बहुत से लोगों की मदद वो करने वाले हैं। तो दोस्तों अंत में यही बोलूँगा कि फौजी भाई हमारे बॉर्डर पे सुरक्षा करते हैं, तो देश के अंदर भी किसी न किसी लोगों को इसी तरह से अपना फ़र्ज निभाना ही चाहिए। पुलिस ने अपना फ़र्ज निभाया, लेकिन दोस्तों आपने बहुत जगह पे पुलिस की ज़्यादती भी देखी होगी कि किस तरह से वो लोगों को, प्रवासी मजदूरों को रोड पे मुर्गा बना दे रहे हैं और लाठियों से मार के भगा रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें भी आपने देखी होगी और पुलिस को तो जैसे मानो कि छूट मिल गई थी डंडे चलाने की, और पुलिस ने कौन सा कार्य किया डंडे चलाने के अलावा। तो दोस्तों मैं फौजी भाइयों को सैल्यूट करता हूं और सोनू सूद सर को भी सैल्यूट करता हूं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।